परम सत्कार सात संग जीओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पावन हजूरी सजे ओ पावन स्थान जिसनू बाबा बकाला कह के नमस्कार सारा सिख संसार करदा। कितने साल गुरु तेग बहादुर महाराज इस स्थान ते रहे वो भी एक समा होवेगा कैसा। सतगुर जिस वेले इस पावन स्थान ते भोरे विचो निकल के इधर उधर आंदे जांदे होणगे संगतां उस वेले सतगुरां नूं तकदियां होणगियां। पता नहीं केड़े केड़े राहां ते सतगुरां ने चरण पाए ने इत्थे। कैसा समा होवेगा वो। और अज बेशक कोई आ सके या ना आ सके पर ये स्थान गुरद्वारा बाबा बकाला सिख संगतां दे दिलां विच वसदा है। अज दा समागम इस गल दी गवाही है। जिस परिवार ने अरदास कीती कि गुरु तेग बहादुर पिता साडा ए कार्ज पूरा हो जावे तो इस शुकराने दे विच पंज गरीब लड़कियां दे असी व्याह करांगे कीर्तन करवावांगे ते दाते ने रहमत कीती गुरु तेग बहादुर पिता ने उन्हां दी इच्छा पूरी होई ते अज ए समागम उस गुरसिख परिवार की श्रद्धा और श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इत्थे दे भाई साहब मैनेजर साहब सारिआं दे सहयोग दे नाल संपूर्ण होया। ई श्रद्धा है ते जिन्ना श्रद्धा कीती फिर दाते ने भाग भी लाए ने। तो आओ पहला शब्द गुरु ने सुनी इच्छा पूरी हुई ते शुकराना ये शब्द परिवार वालों आप पढ़ांगे। जिन्ना सानू भी हुक्म कीता कि भाई साहब तुसी हाजरी पर नहीं आए ते समा 11 बजे तक है। 11 बजे आपां आनंद साहब पढ़ देना क्योंकि जो प्रोग्राम बाणी नैट ते जा रहा है इत्थे हाजरी कितनी है ये गल नहीं। जिन्ना दे भागां च वह बैठे आ पर हजारां लोग अपने घरां च सुणदे पए आ विदेश विच भी देश विच भी तां उन्हां दी हाजरी पूरी है। आओ शब्द सरवण करिए ते नाल गुरु तेग बहादुर पिता दा पवित्र इतिहास भी सरवण करांगे। आओ पहला शब्द सरवण करिए उस तो पहला सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो नाल अपनी असीस बख्शो तां जो कीर्तन द्वारा आपकी सेवा कर सकीए। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत फले फतेह आप जी नूं बुलाई है ते जवाब ही आप जी ने देना। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओ जिहड़े बच्चे बहुत पिछे बैठे ने ना बेटा इत्थे सामने आओ साढ़े आज 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 बस थोड़ी देर है नाले सुनियो नाले साढ़े नाल गायो आज आज नाले नैट ते प्रोग्राम जाना संगतां तुहानू भी देखणगियां कि बच्चे बैठे भी गुरु इत्थे सामने आ जाओ भावे साढ़े आज इत्थे आज इत्थों ही रहमतां मिलनियां जीवन दियां कामयाबियां होणियां। एक ओंकार सतनाम
करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी से अंगुर परसाद जप आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक हो से पे सच सब पे चापुरिया पाया अगम अपारा गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरणा कौ बलिहारा निमाण्यो के मान गुरु निताण्यो के ताण्यो के ओ न्यासन्यो के आनंद गुनी निधान गुरु गरीबन वाज सत्संग जी सामने छोटे बच्चे बैठे ने इन्हां नूं देख के ख्याल आया साडे पापा पापा ही कहंदे पिता जी जसवंत सिंह रंगीला इधर एक बच्चा बैठा बहुत छोटा मैं कहा सात साल का होना शायद दस भी इतनी उम्र का सीगा ते कीर्तन सुनाने वास्ते लेके जाते होंगे सन दो दो ढाई ढाई घंटे बैठते सन आपके नाल सानू बिठाना पता कुछ नहीं सी होंदा सन पर ही नहीं सी पता कि कदी यूं दाता सेवा लवेगा सत साल की उम्र च पहली बार पिता जी नाल तपला वजाया सी ते साड़ी माता दा ना प्यार करो नहीं है हुण मथुरा उत्थे भी गुरु तेग बहादुर महाराज दा इतिहासक गुरु घर है उत्थे साड़ी माता ने अरदास कीती सी कि महाराज मेरे पुत्रां नूं कीर्तन दी दात दे आखो सतनाम कोई कुछ मंगता है कोई कुछ मंगता है पर साड़ी माँ ने कीर्तन की दात मंगी इन्हों बच्चों देख के समा याद आ गया क्योंकि ये भी गुरु तेग बहादुर का महाराज का पावन स्थान है शब्द सुनो गाओ आप सारे घर परिवार वाले हैं कोई ना कोई इच्छा तो मन च होंदी है घर के बाहर लिखा होंदा है शांति निवास पर अंदर शांति कोई नहीं होती आखो साधना घरों बंदा बाहर निकलता तो मुस्कुराता है घर के अंदर कलेश होंगे कमियां ने गम ने खुशियां भी ने कई कुछ है जीवन इहो ही समा होंदा मंगण दा जदों मन जुड़िया होंदा महाराज ने पढ़दे टके ने सारियां दे आओ अरदास करिए दाता जिमें उस परिवार की इच्छा पूरी की है ना जिन्हें अज का समागम रखाया है साढ़े ते भी कृपा कर उन्होंने भी चढ़ती कला होवे होर साढ़े घर परिवार भी सुखी वसन जीवन च सुख होवे दुखा कलेशां दा नाश होवे दाता साड़ी भी सुन लै पर एक दिन इत्थे बह के इउं आपां भी कहीए कि मेरे गुरु तेग बहादुर गुरु ग्रंथ साहब ने अज मेरी भी सुन ली है सुनी अरदास
सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास कर जे आया सगला रास सतगुर आपने सुनी अरदास मन तन अंतर प्रभु ते आया गुरपुरे दर सगल चुकाया सुनी अरदास सतगुर आपने सतगुर आपने सुनी अरदास सब ते वड समरत गुरुदेव सब सुख पाए दिस की सेव सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास सर जप जी सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास जंक किया सब किच होए तिस कायम रे नमेटे कोए पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सपल मुरत गोरे तिसकारूप सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास सर जप जी सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी अरदास
जाके अंतर बसे हर नाम, जो जो पे कैसो ब्रह्म ज्ञान। विश्व विश्वे जाके मन पर गास, इस जन के पार ब्रह्म का निवास। सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास जपो जी, सुनी अरदास सतगुरु आपने, सुनी अरदास सुनी अरदास। तिस गुरु को साद करी नमस्कार, तिस गुरु को साध जाऊं बलिहार। सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सत जीवा। सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास जप जी, सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास। कार्ज आया सगला रास, कार्ज आया सगला रास। सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास। दूसरा शब्द ते गुरु इतिहास। सरवण करन तो पहला एक बार जितने भी सजे हो इत्थे या घरां च सुन रहे हो, शब्द की पहली पंक्ति एक बारी सारे पढ़िए। बिना तबले दे गावांगे तां कि सारे गाओ, एक पासे सेवक एक पासे सारी संगत। जिन्हां दी इच्छा पूरी हुई है कोई आखो दाता तेरा शुक्र है, जिन्हां दी अरदासां ने कहो दाता साड़ी भी चोली पास। सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने, सुनी अरदास जपो। सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर आपने, एक वेला ही होंदा वड्डे ते जपदे पए ने, तुसी भी सारे थोड़ा थोड़ा जपदे हो, खुल के जपो, करो कृपा। दाते नु कहो दाता विद्या दान भी दे, आने वाला जीवन भी तेरे चरणा नाल जुड़िया होवे। गाओ। सुनी अरदास
सुनी अरदास सतगुर अपने सुनी अरदास जप जी सुनी अरदास सुनी अरदास सतगुर कारज आया सगला रास कारज आया सगला रास सुनी अरदास सतगुर आपने सुनी सतगुरु आपने सुनी अरदास सतगुरु आपने सुनी जेड़े नाल गा सकते हो जरूर रसना पित्र करो किधरे जाना हो ना सफर बहुत लम्मा होवे कुछ साथी नाल होन ते सफर महसूस नहीं होता कहते ने यार पता ही नहीं लगा सफर मुक गया कल्ला बंदा होवे सफर भावे थोड़ा ही होवे कहिंदा यार अज दे सफर ही नहीं मुकदा पाया ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ उन्होंने बहुत समय पहला अरदास कराई सी कि दाता पुत्र देवे आखो साधना आम श्री वाहे हुण दात ने रौनक लाइया ने इस करके शब्द पढ़ रहे हैं दास का ख्याल है 30-35 साल पहला एक कैसेट रिकॉर्ड कराई सी वो फिर याद आ गया सारा कुछ ती गाओ सारे नाल तुम करो दया मेरे साईं 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 ऐसी मत दीजे ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई तुम करो दया मेरे साईं 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 पानी पका पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाए सास सास मन नाम समारे ए विश्राम नित पाई तुम करो दया
साई तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। सवेर दा वेला सोलां सतारां साल दी उमर एक राजकुमार वालां विच कंघी करदा सी, मत्थे तों वाल हटाए एक निशान जिहा नजर आया। बचपन तों देखदा आंदा पर यह समझ नहीं आई मेरे मत्थे ते निशान कादा। अज मन कुछ काला पै गया ये जानन वास्ते कि मेरे मत्थे ते निशान कादा। बड़ा सोचया समझ नहीं आई क्योंकि ना तो किसी सट का निशान लगता है ना किसी फोड़े फिंसी का। फिर अखीर सोचया राज माता नू जरूर पता होवेगा मेरे मत्थे ते निशान कादा। सिर ते पग रखी राजकुमार ने अपनी माता राज माता दे महल वल चला गया। जिस वेले राज माता दे महल विच पहुंचया राजकुमार ते की देखदा राजमाता ने चौंकड़ा मारिया होया, चेहरा बड़ा रोबदा वाला। राजमाता ने चौंकड़ा मारिया, अखां बंद ने, एक हाथ च माला पकड़ी है और राजमाता श्री सुखमनी साहब का पाठ पई करती है। आखो सतनाम श्री वाह। राजमाता नूं पाठ करदा देखिया चौंकड़ा मार के राजकुमार बह गया। राजमाता ने पाठ का भोग पाया, अखां खोलियां, अखां विचों कुछ आंसू निकले। हर चीज का एक रस हुंदा, कई वारी दुख च रोने कई वारी खुशी च रोने, ते कदी बाणी सुनदे हां कथा कीर्तन सुनदे हां करदे हां अखां च आंसू आ जाण। उन्हां आंसुआं नूं इउं समझणा ये मेरियां गल्लां ते नहीं डिगे, ये गुरु नानक दे चरणां ते डिगे ने। आखो सतनाम, क्योंकि गुरु दे प्यार विच आए ने। कोई राम 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 कह रहा, कोई हरि नारायण, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु। जिस वेले प्यार नाल याद करे मन वैरागी हो जाए ना, अखां पारां समझो अज अपने रब नाल जुड़ गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। राजमाता ने अखां पूंजियां, राजकुमार नूं देखिया ते पुछदी है बेटा अज सवेरे सवेरे किवें आना होया। ते राजकुमार ने पग लाई, कहन लगा अम्मी जी बचपन तों देखदा आ रहा पर अज मन कुछ काला पै गया जानन वास्ते मेरे मत्थे ते निशान कादा। ना तो किसी सट का लगता ना फोड़े फिंसी का। ते सत्संग जिस वेले राजमाता ने उस निशान वल तकिया
ते राज माता दी अखां चों आंसू निकलन लग पए, चेहरा लाल हो गया। ते राजकुमार ने कहा, अम्मी जी जे मेरे पुछण नाल दुख होया है तां रहण दिओ, मैं नहीं पुछदा, क्योंकि राज माता रो रही है। ते राज माता ने इशारे नाल कहा, नहीं बेटा तू बैठ, मैं तेनों दसदी हां। अखां पूंजियां राज माता ने, पर हाली कोई ना कोई अथरू फिर डिग पैंदा। अपने आप नूं संभालिया ते राज माता कहन लगी, बेटा जे पुछना है ना ये निशान कादा, पहला सिर ते पग रख, चौंकड़ा ते मारे आ तू, हाथ जोड़, अदब नाल सत्कार नाल बैठ। राजकुमार ने सिर ते पग रखी, हाथ जोड़े, ते राज माता हुण सुनाण लगी, बेटा तू साडे घर वड्डी उमरे पैदा होया, जिन्हों आपां बड़ेपा कहने, साडे औलाद नहीं सी, बड़े तरसदे सी, बड़ियां सुखना सुखियां, बड़े द्वारे देखे, किधरों खैर ना पई। इन्ना कहिंदिआं कहिंदिआं फिर राज माता दा मन वैरागी हो गया, उहदी अखां चों आंसू निकलन लग पए। कहन लगे, बेटा मैनू नहीं पता केड़े जन्मां दे साडे जप तप सन, कि नौवां गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब साडे देश असाम दे विच आ गए। किड्डे वड्डे भाग कि गुरु तेग बहादुर साहब साडे महलां विच आ के ठहरे। बड़ियां रौनकां लग गईयां, बड़ी बड़ी दूरों नेड़ियों संगतां आंदियां, झोलियां भर भर के जांदियां। ते राज माता कह रही, बेटा एक दिन मैं तेरे पिता जी महाराज नूं कहा, राजन दातां देण वाला गुरु तेग बहादुर साडे घर बैठा है ते साडी झोली खाली, क्यों ना बेनती करिए, की पता गुरु तेग बहादुर दयाल हो जाए ते एक पुत्र दी दात सानू भी मिल जाए। राज माता कहन लगी, तेरे पिता जी महाराज नू मेरी गल चंगी लगी, दर्शन ते रोज ही करते सी सतगुरां दे, पर अज दे दर्शना विच फर्क सी, क्योंकि कुछ मंगण चले आ। बड़ा प्यार होवे किसे नाल भी, रोज मिलने आ, मिलना वखरा हुंदा है, पर जे तू मंगना होवे ना कुछ, उदों बंदे दे मन च संग होंदी है, आखो सतना, चेहरे दा रंग भी बदल जांदा। राज माता कहन लगी, जिवें सतगुरां दे कमरे च असीं पहुंचे ते मेरे गुरु तेग बहादुर पिता किसे रंग च बैठे सन, सीस ते सोहनी दस्तार, सुंदर बस्तर, नूरी नूर चेहरा, सुंदर दाड़ा। सतगुरां दा चेहरा देख के मन नूं ठंड पै गई, असी मत्था टेकिया, मत्था टेक के खलो गए ते गुरु तेग बहादुर साहब अनोखा जिहा नूर है चेहरे ते, तेरे पिता जी वल देख के मुस्कराए, उन्हां दा मुस्कराना ही रहमतां देण वाला है। ते मुस्करा के कहन लगे, राजन यूं लगदा जिवें मन च अज कोई इच्छा है, पुत्र की कमी महसूस होंदी सी, एकदम तेरे पिता जी का मन भर आया ते कहन लगे, दाता इच्छा ते है। सतगुर कहन लगे, इच्छा है ते कह फिर की चाहिए, तेरे मंगण च देर है,
गुरु नानक ने देर नहीं करनी, आखो साधना। ते तेरे पिता जी हाथ जोड़ ले ते क्या दाता, असाम दा राजा वा, महल ने, खजाने ने, फौजा ने, सब कुछ है, पर फिर भी झोली खाली है, आखो साधना। वेड़ा सुंजा है, एक पुत्र दी दात मेरी झोली पा दे, मेरी झोली भर जाए। यूं बेनती करते हैं, तेरे पिता जी ने अपना मत्था गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों ते रख दिता, ते गुरु तेग बहादुर साहब पता नहीं सतगुर के मन विच की आया, एक अंगूठी सतगुरां दी उंगल च सी, अंगूठी नूं उतारिया, जिवें उहदे नाल खेडण लग पए। वह अंगूठी कदी किसे उंगल पांदे ने, कदी किसे उंगल, नाले मुस्कराई जांदे ने। ते तेरे पिता जी चरणा ते सिर रख के रो के की कहंदे ने, एक मन दी भावना हुंदी है, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो, अज मना लेना है, आखो साधना। सात संगत इतों एक सिक्ख्या भी लेनी है, राजा है, सब कुछ है, पर क्यों हाथ पैर जोड़दा, क्यों रोंदा है, एक पुत्र वास्ते, मां बाप धियां पुत्रां वास्ते सारी उम्र गाल देंदे आ, ते ओही धियां पुत्र वड्डे हो के जिस वेले मापियां नूं ठोकरां मारदे ने ना, फिर बड़ा दुख हुंदा, किसे नूं कह भी नहीं सकदे, धी पुत्र बाहर गया हुंदा है ना, ते मापे बूहे खुले रखदे ने, कद आवेगा, जब तक धी पुत्र घर ना आवे मापियां नूं चैन नहीं हुंदा। ते जिस वेले मापे बुढ़े हो जाते ने, धियां पुत्रां दी लोड़ हुंदी है, उदों धियां पुत्र लागे नहीं लगते, आखो साधना। बूआ उदों ही खुला हुंदा, कद मेरा पुत्र आवे, कद मैनू मिले, कद आंदे ने बच्चे, कद जाते ने पता ही नहीं लगता। हुण इउं लगता मापियां नूं अपने घर च बगाने हो गए, अपना कोई जिवें है ही नहीं। दास हमेशा कीर्तन च कहिंदा, अपने मापियां नूं कदी रोण ना देना, मापियां दी अखां च कदी दुख दा आंसू ना आवे। पैसा नहीं कोई गल नहीं, कोल ते बह सकदे आ ना, मुट्ठी चापी ते कर सकदे आ ना, कदी बाहरों आए हो दौड़े दौड़े आए हो, आके कुट के मां या पिता नूं जफ्फी पा लवो, उन्हां दी रूह तक ठंडक पहुंचेगी। तुहाडा मन दुखी है किसे कारण, बुढ़ी मां है, प्यो है, सस है, सहुरा, पैरी पै के तुस भी घुट के जफ्फी पाओगे ना, ते मापियां दे अंदरों असीस निकलनी है, अज मेरा पुत्र दुखी क्यों है, आखो साधना। करिया करो सेवा, जिहड़ा मर गया उन्हें मुड़ के कदी नहीं आना तुहाडे, करिया करो सेवा। गुरु घर भी है, साडा सकूल भी है, इतों सिक्ख्या भी लैनी ते आनंद भी लैना, राजा है ना। हुण रो रो के राजे ने सिर चुकया चरणा तो, अखां लाल हो गईआं सब, दाता एक पुत्र, राज माता कह भी रही है ते वैराग विच रोई भी जांदी है, आखो सतना। एक पुत्र ते गुरु तेग बहादुर साहब मुस्कराए, मुस्करा के तेरे पिता जी नूं कहन लगे, राजन गुरु नानक दयाल हो गया, तेरे घर पुत्र होवेगा, बड़ा बली योदा होवेगा, उहदे मत्थे ते साडी अंगूठी दा निशान होवेगा, आखो सतनाम श्री। एक कहंदे आ अंगूठी तेरे पिता जी दे मत्थे ते लगा दित्ती, ते राजमाता ने कहा, बेटा सतगुरां दी अंगूठी ते एक ओंकार लिखिया होया सी,
ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਭਾਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਅਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿੱਥੇ, ਆਸਾਮ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਲੈ ਲਈ, ਜੱਫੀ ਚਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਪਰ ਆਪਾਂ 5 ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਲੱਭਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਥੀ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਡਿੱਗਦਾ। 5 ਘੋੜੇ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕਈ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਟੇ ਵੇਲੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਿਲੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਜੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਬਾਂਕਾਂ ਜੋੜਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਸਜਾਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਿੰਘੋ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਸੀਸ 'ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਗੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਤੇ ਰਬਾਬੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ
देखता ही रह गया अखो सतना कोल आया मत्था टेकिया जिवें सतगुरां दे चरणां ते सिर रखिया सतगुरां ने सिर ते हाथ रखिया शरीर विच इक चरनाट जी छिड़ी रोम रोम जिवें किसे रस च भर गया राजे दा अखां विच अंसू ने प्यार दे गुरु ने छो लिया है ना उहदा सोहणा ही सी कि मन वैरागी हो गया सिर चुकिया चरना तों कहन लग्या कलगियां वालिया पता नहीं सी तू ऐसा है आखो सतना तू मैनू छोया कि रोम रोम किसे रस च भर गया है रोम रोम जिवें जपदा है सतनाम श्री वाहिगुरु राजमाता सारिया ने दर्शन किए हुण आखरी वचन भरे दरबार राजा रतन राय असाम का राजा कहिंदा सतगुर मैं सुनिया तुसी हमेशा नीले घोड़े की सवारी करते हो इस करके संगतां तुहानूं नीले वाला भी कहिंदियां ने बाजां वाला फौजां वाला पर मैं एक हाथी लैके आया कदी कदी हाथी ते भी सवारी करिया करना कदी कदी हाथी ते भी सवारी करिया करना ते आग्या होवे इनू कुछ सिखाया होया साहब जी कहन लगे तेरा जो मन करदा कर हाथी दी सुंड विच चबर पकड़ाया वो सतगुरां नू चबर चलांदा आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुर तीर चलांदे ने जिथे तीर डिगदा है हाथी सुंड नाल चुक के लियांदा है होर कई कौतक कीते ते हुण सतगुरां नू कहन लगा दाता इहदा नां की रखोगे क्योंकि मैनू पता है तुसी नीले दा नाम रखिया दल बिड़ार आखो सतनाम इस हाथी का की नाम रखोगे ते परे दरबार कलगियां वाले मुस्कराए चेहरा होर नूरी नूर हो गया ते कहन लगे इहदा नाम रखांगे प्रसादी हाथी आखो सतनाम तू फिकर ना करी कदी कदी इहदे ते सवार होके भी किले चो बाहर जाया करांगे आखो सतनाम श्री एक महीना आनंदपुर साहब रह के फिर ये वापस असाम गए दास दो के तीन साल पहला तुबड़ी साहब गए असाम गुरु तेग बहादुर साहब ने जिथे चरण पाए इस राजे राणी नू दर्शन दिते ते इन्हां नू पुत्र दी आसीस दिती पुत्र होवेगा वो जिहड़ा पुराना खानदान पुराने उस वेले दे गुरसिख ने ना भावें पूरे उन्होंने मर्यादा की समझ नहीं पूरी मर्यादा की पर पुराने जड़े ने ना वो अज भी जब तक लड़का लड़की अमृत ना छके आनंद कार्ज नहीं करते आखो सतनाम इतनी श्रद्धा है उन्होंने तो सतसंग जीओ जिस परिवार ने अज का समागम कराया है दाते ने उन्होंने बच्चे बख्शे आखो सतनाम ते दाते दा शुकराना है आओ हुण शब्द की आखिरी पंक्ति पढ़िए जिहड़े बच्चे सामने बैठे ने उठ के ना साडे पिछे आ जाओ आखिरी पंक्ति साडे नाल पढ़ो आ जाओ नाल बैठो आ जाओ ये समय बार बार नहीं मिलते होंगे आ जाओ सारे और सतसंग जी आशीष देना ये बच्चे भी जीवन च कामयाब होण गुरसिखी च कामयाब होण और माता पिता दे सेवादार भी होण और जितने माई पे बैठे हो सारे ये पंक्ति पढ़िए तुम करो दया मेरे साई जिहड़े धीआं पुत्र जांदे ने ओ धीआं पुत्र है ने कामयाब होण धीआं पुत्र है ने रिश्ते नाते नहीं होंदे सोहणे होण कोई ना कुछा ते है ना ते कहो दाता जिवें असाम दे राजे ते कृपा कीती बाबा मक्खन शाह लवाणे ते कृपा कीती साडी भी बेड़ी पार कर दिओ आखो सतनाम सेवाए तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई जपो जी तुम करो दया मेरे साई
तेरे साथ ऐसी मत दीजे ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई जपो तुम करो सत्संग जी पुरानी बोली है ना लाग लगाओ सब कुछ हो जाता है आखो साधना देखो ना कृपा महाराज दी बस तोरण दी लोड़ है दाता चढ़ती कल बख्शे एक बारी हो रही तरह तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई जपो जी तुम करो दया मेरे साथ तुम्हारी कृपा ते मोहमान छूटे बिनस जाए परमाई आनंद रूप रवे ओ सब माले जत कत में को तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई सारे जपो तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई दयाल कृपाल कृपानिद पतत पावन गोसाई कोट शोक आनंद आज पाए मुक्त निर्मुख बुलाए जप ताप भगत सा जप तो कृष्णा सब बुझी है नारक त्रिपद अघाई तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई जपनी तुम करो ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई केवल एक मिनट तबले दे बगैर दास पंक्ति पढ़ेगा फिर सारे बच्चे और आप सारे ने कृपा करनी जेड़े घर च बैठे तुस भी जपो तुम करो दया मेरे साई तुम करो दया मेरे साई जपो जी तुम वाह जी वाह
ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी सदा सदा तुत न्याई। तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे सेवा प्रवान करनी। आओ हुण अनंत साहिब दा पाठ करके अरदास विच हाजरियां लगवाईए। शुक्र गुरु ग्रंथ साहिब पिता दा, धन गुरु तेग बहादुर महाराज दा, और धन्नवाद उस परिवार दा जिन्हां ने सेवा लई, और नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब, इत्थे दे मैनेजर साहब, भाई साहब, पीए जी, समूह वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत सत्कार दिता, प्यार दिता। आप संगतां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेनती है, जिन्होंने सुनिया कोई आनंद आए भावें थोड़ा ही सही, जिहड़े आलस कर गए ना या घर च बैठे आंढी गुआंढी आए ने, कहना जरूर अज गुरु इतिहास विचों गुरु तेग बहादुर पिता दे दर्शन कीते, किवें राजे दे मत्थे ते अंगूठी लाई ते पुत्र दे मत्थे ते निशान। असाम दा राजा ते गुरसिखी उत्थे भी फैली। आखो साधना काश तुसी भी आंदे, ये आनंद तुसी भी ले लैंदे, अगे तो आलस ना करना। आखो साधना श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 जपो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। राम कली महला तीजा, आनंद क्यों कार सतगुरु प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज सहज राग रतन परवार परी शब्द गावने आईया। शब्दों तका वो हरि के रामन जने बसाया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तो सदा रोवना, हर नाल रतो मन मेरे दुख सब विसारना। अंगे करो करे तेरा करुण नवारना, सब नांगला समरत स्वामी सुख मनो विसारे। कहे नानक साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, करता तेरे सब है जिस दे सदा चलाते नाम मन वसावे। नाम जल के मन वस्या वाजे शब्द कने रे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। सच नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा कर शांत सुख मन आयो से आज इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान गदा गुरु बैठो जिस न्याय बने आईया। कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, सच नाम मेरा आधारो वाजे। पल शब्द गद सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे खला जित कर पंच तू तुद वस की काल कंठ कुमारे। तुर कर पाया तो दिल को से ना मार गे लागे, कह नानक तै सब हो तुझ कर आनंद वाजे। आनंद सुनो वट पाके ओ सगल मनोर, पार ब्रह्म ब्रह्म पाया उतरे सगले वसूरे। दुख रोग संताप तेरे सोनी सच्चे बाणी,
संत सजन भय सरसे पूरे गुर ते जाए। सुनते पुनित कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गोरे चरण लागे चरण लागे गोरे चरण लागे बाजे अनहद तोर जी आनंद सुनो बड पागियो। सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोहदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे तर मधूर करने आपो अपने के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसकत का नानक ते मुख जगे के छुट्टी ना। परम सत्कार के साथ संग जी एक बेनती है तुहाडे वास्ते अरदासां दाता चढ़दी कला बख्शी साढ़े वास्ते भी जरूर अरदास करियो। गुरु तेग बहादुर पिता चढ़दी कला बख्शन अपनी दर की सेवा हमेशा बख्शी रखन साडा भी बेड़ा सतगुरु पाल लगावे चढ़दी कला बख्शे भुला चुका बख्शो फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।